बानी पीटीआई इमरान खान के फोकल पर्सन इंतजार पंजोदा की गुमशुदगी को 4 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। और इंतजार पंजोदा की बाजियाबी के लिए उनके साथ ही वकील फैसल चौधरी और अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर 29 अक्टूबर को होने वाली समाअत में अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने अदालत से 2 दिन का वक्त मांगा था और दावा किया था कि जुमे को यहाँ आकर अच्छी खबर दूंगा। मगर जब आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस केस की समाअत हुई, तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इंतजार पंजोदा की बाजियाबी के लिए मजीद 24 घंटों का वक्त मांग लिया। दौरान समाअत अदालत में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैसी सुजई के मुताबिक समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत से कहा कि उम्मीद है कि 24 घंटे में इंतजार पंजोदा बाजियाब हो जाएंगे। इस पर फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल ने उम्मीद दिलाई है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इंतजार पंजोदा खैरियत से वापस आ जाएं। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि जी, कल इसी वक्त तक इंतजार पंजोदा वापस आ जाएंगे, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंतजार पंजोदा 7 अक्टूबर से लापता है।